दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आए दिन में 2 या 3 साल से मेरा चैनल चल रहा है, सभी को पता है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ समझ में आए कि एक एक टॉपिक को सबसे ज़्यादा कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। आए दिन में कंबाइंड में कई वीडियो बनाया हूँ लेकिन लोगों को फिर भी काफ़ी दिक्कत रहती है। तो आज का टॉपिक बेल को लेकर रहेगा, दहेज केस में अग्रिम जमानत को, एंटीसिपेटरी बेल को, रेगुलर बेल को, रिजेक्ट हो जाती है तो क्या करें क्या नहीं करें, पूरा प्रोसेसिंग जितना भी बेल का रहता है 498 में, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पूरा टॉपिक आज के वीडियो में पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, पूरा टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। सेकंड बात दोस्तों, मेरा चैनल ये बैन हो चुका था, अभी मैंने इसके काफ़ी रिक्वेस्ट किया, काफ़ी चैनल में वहाँ पे मेल वगैरह भी करता रहा, लेकिन इसमें दिक्कत क्रिएट आ रही है, कहीं सारी वीडियो में अपलोड करता हूँ लेकिन रिजेक्ट बता रहा है अभी भी। फिर भी कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो जाता है बाय चांस, अगर ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो भी जाए तो मेरा सेकंड चैनल है हंस चांदा करके, उस पर मेरे रेगुलर वीडियो आते रहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उसके सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि वहाँ पर मेरे रेगुलर वीडियो आते रहते हैं। पास्ट चैनल जो मेरा है वो बैन चल रहा है, इसमें मैं वीडियो बना बना के अपलोड तो करता जा रहा हूँ लेकिन देखते हैं आगे कब तक ये अपलोड होना चालू स्टार्टिंग करेगा नहीं करेगा, लेकिन जब ऑटोमेटिकली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे तब तक अगर नहीं होते हैं तो सेकंड चैनल है मेरा अनसंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, बेल एक ऐसी चीज होती है जो आपको सहायता देती है, मतलब अपनी सफाई रखने के लिए, कोई भी केस हो गया। सबसे पहले बात करते हैं दहेज केस वाले की, क्या होता है लोगों की सबसे ज़्यादा डर ये हो जाता है जब भी 498 की काउंसलिंग होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, बात बनती नहीं है उन दोनों की, तो उसके बाद में दिक्कत आ जाती है। एडवोकेट साहब ये कहते हैं साहब आप अग्रिम जमानत ले लीजिए नहीं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, सेशन कोर्ट जाते हैं वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, हाई कोर्ट जाने तक की उम्मीद नहीं होती है और उनके माइंड में एक डर बैठ जाता है कि साहब मेरी तो बेल भी रिजेक्ट होने लग गए हैं। तो इसी टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। देखिए 498 में सबसे पहले तो आप पे जो केस बन रहा है उस चीज़ को सबसे पहले समझिए आप। सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होती है, सबको पता है, सिंपली में महिला सेल हो, CW सेल हो, कहीं ADR हो, कहीं भी होती है, 90% आपकी काउंसलिंग होती है। अब मान चाहे आपकी काउंसलिंग में बात नहीं बनी है, चाहे एक डेट लिए, चाहे दो डेट, चाहे चार डेट, चाहे पाँच डेट, चाहे 5 महीने, चाहे 6 महीने आपकी डेट चली, नहीं बात बनी आपकी, उसके बाद में आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। अब FIR दर्ज होने के बाद सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि साहब अग्रिम जमानत लें या नहीं लें। देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बात बोली थी कि साहब 41A नोटिस आपको देना जरूरी होता है, अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना भी है तो उसे नोटिस जारी करना पड़ेगा, और इसको ये कहा गया कि इस जजमेंट को सबको बताया जाए। अनेश कुमार का भी जजमेंट है, स्टेट ऑफ बिहार वाले का भी, उसमें भी बताया गया, पूरी 498 की प्रोसेसिंग जो भी है वो पूरी क्लियर बताई गई। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कहीं ऐसे जजमेंट है जो 498 की गिरफ्तारी को रोकता है, क्लियरली कहता है कि साहब ऐसी जब कोई घटना घटी नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सबूत आया नहीं है तो आपको उस पर गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि साहब वकील साहब तो कह रहे कि गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी, अब हम इस सिचुएशन में क्या करें। देखिए आपके सेक्शन कौन कौन से लगे, सबसे पहले तो आपकी FIR जो हुई है वो आपको कॉपी मिली जाती है, कॉपी मिलने के बाद आप इस देखिए उसमें सेक्शन क्या क्या है। सिंपली मैं देखो 498 लगता है, 323 उसके साथ में होता है, 406 होता है उसके साथ में, ठीक है, 504 506 हो जाता है उसमें, 341 हो जाता है, 294 हो जाता है, 120 भी हो जाता है, 34 होता है, DP होता है जो 3/4 भी हो जाता है। मैक्सिमम सिमिलरी 90% केसों में, क्या 101% जो 498 केसेज होते हैं इनमें सिमिलरी सेक्शन तो हर किसी केस में आपको पाए जाएंगे, ये माइंड में बात याद कर लेना। अब बाय चांस मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन है, ये वाले जो सेक्शंस है तो उसमें जब भी आपको पुलिस वाला बुलाता है, आपको बात रखता है या पुलिस वाला आपको बात कहता है कि आपको पुलिस थाना आना चाहिए, तो आप सिंपली वे में चाहिए निडर होकर चले जाइए, कोई डर नहीं है, आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, कोई भी कह रहा, वकील कह रहा, चाहे कोई भी कह रहा है, आपको अपनी बात रखने के लिए पुलिस मौका देती है कि आप आइए। चाहे तो पुलिस को आप यह कह सकते हो गिरफ्तारी कर रहे हैं कि साहब 161 का मुझे नोटिस दे दीजिए या फिर CRPC 41 का नोटिस दे दीजिए, पुलिस को देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है नहीं, पुलिस दे देगी आपको, वाया व्हाट्सएप भी भेज देगी, मेल पे भी भेज देगी या फिर आपके घर पे भी भेज देगी, दिक्कत नहीं है, आजकल मेल को व्हाट्सएप को अलाउ कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि फिर आपको जाके वहाँ पे बात रखना है, वहाँ पे कई बार पुलिस वाले को वहाँ से 436 CRPC में पुलिस के पास पावर होता है, वो आपको नोटिस बेल भी दे दिए जाते हैं, मतलब आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। आप बात रखिए वहाँ पे जाके, आपको डर लगता है कि आप मैन मुलजिम है तो आप अपने रिलेटिव या किसी को भेज सकते हो, वहाँ पे IO साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उससे बात कर लीजिए और 41A नोटिस रिसीव कर लीजिए। अगर सिंपली सेक्शन लगे हुए तो आपको बेल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो भी जैसे 34 और IPC 120 भी लगाए गए इंक्लूड, उसमें आपके पास
पारिवारिक और रिश्तेदारों का नाम ऐड किए गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए उनका। आई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, उनका नाम इन्वेस्टिगेशन में 99% निकल जाता है। प्रोसेसिंग आपको सबको पता है, आई ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उनका नाम 101% निकल जाएगा, अगर उनका सबूत आपकी वाइफ ने किसी प्रकार से नहीं दिया तो। तो आपको उस टाइम पे नहीं लेना है। स्टार्टिंग में आईओ भी बता देता है, आईओ साहब भी आपको ये बात कह देता है कि भाई ये नाम तो निकल ही जाएंगे, इनका कोई सबूत आया नहीं मेरे पास तो इनको निकाल दूंगा। जब आप फाइनली आप हैं, मेन आपकी मिसेज आप पे की है, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल लगाना देना चाहिए, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल में देखो पुलिस आपका नाम नहीं निकाल सकती, ये बात आपको माइंड में फिट बात कर लेना। दूसरी बात, ये बात याद हमेशा रखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और सेशन कोर्ट से 99% बेल रिजेक्ट हो जाती है, तो आप इस चीज़ को माइंड में मत ले और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2020 के बाद तो 99% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट होते हुए खारिज ही कर रहे हैं, आपको हाई कोर्ट में ही जाना पड़ रहा है एंट्री सपेटरी बेल के लिए। याद रखिए, अग्रिम जमानत के लिए आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ रहा है आज की डेट में, हर किसी स्टेट में, ठीक है। तो आपको खुद की बेल तो लगा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रायल भी आप, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सबको पता है कि ट्रायल भी आप एंट्री सपेटरी बेल के आधार पर लड़ सकते हो, तो उस दिक्कत नहीं, आपकी खुद ही लगा सकते हो, लेकिन जो आपके रिलेटिव है उनकी मत लगाइए। पहले इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जैसे माता पिता है आपके, भाई बंद है, उनकी पहले इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। चार्जशीट बन भी जाती है, चार्जशीट बनने वाले होते हैं आपको एक दो महीने बाद, और आपको लगता है कि आई इन्वेस्टिगेशन नाम नहीं निकला, उस सिचुएशन में आप उनकी अग्रिम जमानत भी लगा सकते हो आगे चल के। लेकिन जैसे आपकी फैमिली से ज़्यादा नाम निकलते हैं तो 99% आयु उनके नाम निकाली देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपने अग्रिम जमानत आपकी तो लगा ली, लेकिन ऐसे परिवार वालों की नहीं लगाई जिनके नाम आयु ने नहीं निकाले हैं और वो चार्जशीट में आपके साथ जा रहे हैं। देखो, चार्जशीट में अगर सिंपली में आपके माता पिता का या आपका भाई का कोई एक दो का नाम जा रहा है, तो आपको वहाँ पर रेगुलर बेल मिल जाएगी, लोअर कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिल जाएगी, उनको रेगुलर बेल लेना पड़ेगा आपको। आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, उनको रेगुलर बेल मिलेगी, तो रेगुलर बेल मैक्सिमम आपको जिस सेम कोर्ट से भी मिल सकती है या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से इजीली वे में मिल जाएगी। लोगों के सवाल ये आ जाते हैं कि साहब हमको कहीं गिरफ्तार कर ले तो, ऐसा नहीं है, गिरफ्तार आपको नहीं कर सकती पुलिस, आपके पास ऐसा नहीं है, सभी को उपस्थित। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया था आपको कि कोई भी आपको उस सिचुएशन में पुलिस आयो कहीं पर बुलाते हैं, जब भी चार्जशीट आपको पेश करना होता है तो आयो को आपको कोर्ट में बुलाते हैं कि साहब आप आइए, कोर्ट में सभी को पेश करना होता है। लेकिन जब भी आप अग्रिम जमानत ले रखे हैं, फैमिलीज के नाम हैं और उनके गए हुए हैं, उनको रेगुलर बेल नहीं मिली है, तो उस सिचुएशन में आपको खुद को जाना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं, आप भी जा सकते हो वहाँ पे। वो जाने के बाद आपको रेगुलर बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ले सकते हो, अगर सेम कोर्ट नहीं दे रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट से जाकर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर बेल आपको इजीली मिल जाएगी। जब बेल मिल जाती है तो उसके आगे का प्रोसेसिंग चार्ज फ्रेम होते हैं, चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस एक्ट आता है, एविडेंस एक्ट पर आगे जाके क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट के बाद फिर ऑर्डर जजमेंट पास हो जाती है, काफ़ी इजीली प्रोसेसिंग होता है, सबको पता है वो आगे का प्रोसेसिंग होता है। लेकिन बेल का प्रोसेसिंग था वो पूरा इस वीडियो में कवर किया कि भाई आपको कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। अब इसमें कहीं सवाल भी रहते हैं दोस्तों, वो सवाल मैं इंक्लूड कर लेता हूँ एंड में, अभी तक का प्रोसेसिंग समझाए, लेकिन जो सवाल आते हैं लोगों मैक्सिमम, वो सवाल मैं अब एक एक करके आपको ले लेता हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहो। देखो, लोग कहते हैं कि साहब मुझे डायरेक्टली बेल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कंप्लेंट होते ही मुझे अग्रिम जमानत ले लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो यार, बिना वजह से आप पैसा खराब करने में कोई मतलब है नहीं। देखो, सबसे पहले जब आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए ना, तभी आप एंटीसिपेटरी बेल की सोचें, उसके बाद भी तब सोचें जब आपके खिलाफ सेक्शन जैसे अपने परिवार पे किसी भी 354 टाइप पे लगे, क्योंकि वहाँ पे जब ऐसे सेक्शन एलिगेशन आप पे लग जाते हैं तो पुलिस आपको कहीं ना कहीं से परेशान जरूर करती है। इस सिचुएशन में फिर आपको अग्रिम जमानत की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो सवाल आता है दोस्तों, बार बार लोगों के कहते रहते कि मेरे परिवार की सदस्य लोग हैं काफ़ी, जिसमें 7-8 लोगों की बेल हम कैसे लगाएं, अप्लाई कैसे करें, आयु बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में नाम नहीं निकालना चाह रहा, तो उस सिचुएशन में हम उनके नाम कैसे, बेल कैसे लगाएं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेशन कोर्ट से निकल गई, वहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। देखो, आपका जब ज़्यादा नाम वो ऐड हो जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने पारिवारिक के जो भी सदस्य, माता पिता, उनका नाम ऐड की लगाइए बेल पहले, उसके बाद में कम दो दो या तीन तीन लोगों की बेल लगाइए। अगर ज़्यादा लोगों की, मैं एक केस देखा जिसमें 12 लोगों का नेम ऐड थे, तो उनमें आप तीन तीन को डिवाइड कर लीजिए और एंड में आपकी खुद की लगाइए, सबसे पहले आपकी मत लगाइए, सबसे बाद में आपकी लगाए करो अग्रिम जमानत। जब आपको काफ़ी सारे लोगों का नाम ऐड कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में आपको खुद को बाद में लगाना पड़ेगा, पहले परिवार वालों के एक एक की बेल लगानी पड़ेगी, तो आपको बेल इस तरह प्रोसेसिंग में इजीली वे में मिल जाती है, वो भी आपको हाई कोर्ट से मिलेगी। जी हाँ, आप ये सोच रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से मिल जाएगी, तो वहां से नहीं मिलने वाली, आपको वहां पे भी हाई कोर्ट से मिलेगी। अब एक और सवाल जो मैक्सिमम लोगों का आता है, वो कहते रहते हैं कि साहब मुझे अग्रिम जमानत लेने के बाद क्या रेगुलर बेल की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह भी रखा है कि फैमिली जैसे मैटर्स होते हुए एंटीसिपेटरी बेल के बेस पर भी आप लोग इजीली वे में एंट्री बेल जो सब है उसे ट्रायल पूरा कर सकते हो।
और एक और जो सवाल आता है सबसे ज्यादा, वो होता है कि क्या चार्जशीट बनने के बाद मैं एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता हूँ। डेफिनेटली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भी था ये बात कि आपकी चार्जशीट बनने के बाद भी आप रेगुलर बेल एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे जितने भी डाउट थे बेल से रिलेटेड, जितने भी सब कुछ थे इस वीडियो मैंने कवर किया। फिर भी अगर इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट रहते हैं कॉमेंट में जरूर छोड़ना। कॉमेंट में वो टॉपिक छोड़िए जो आपके टॉपिक के अनुसार मैं टॉपिक लाऊंगा। आप जितने ज़्यादा टॉपिक जिस कमेंट में सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे वीडियो आएंगे, जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी का अगला वीडियो मिलेगा। तो इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सवाल लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।